नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। बुधवार की शाम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी सरकार ने शपथ ली। भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बीजेपी के युवा आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कृष्णा जिले के आईटी पार्क में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। बुधवार की सुबह 4 बजे दक्षिणी कुवैत में एक अग्निकांड हो गया, उसमें 40 भारतीयों की मौत हो गई। भारतीय मजदूर वहां काम के बाद एक साथ इमारत में रहा करते थे। एक दिन पहले के खबर के अनुसार 40 मजदूरों को अग्नि ने निगल लिया है। अन्य मौत की संभावना भी बताई गई है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम कुवैत भेजा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन भी कुवैत पहुंचे हैं। अब अगले पार्ट पर आते हैं बयानों का विमर्श। सिंगापुर जाते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि चाचा नीतीश कुमार भी अपना आशीर्वाद देने वापस लौट सकते हैं। आ करके चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसा बाजी जुमला बाजी हो गया। हम क्यों लेकर के आएंगे, वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने, अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। रोहिणी ने कहा कि वापस वो सारण की जनता के सेवा में लग जाएंगे। जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कुछ मतों से सारण में राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी। विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे, जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठनठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए। फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी हमने जो वोट देने का जो काम किया है सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारा। बयानों के टिटबिट में एक है एनडीए के अंदर का विरोध। जेडीयू प्रवक्ता ने चुनाव में कम सफलता मिलने पर भाजपा के प्रचार को गलत ठहराया है। जेडीयू प्रवक्ता ने एनडीए को कम सफलता मिलने पर भाजपा को दोषी ठहराया है। बीजेपी 400 पार का मत दोहरा रही थी, इस वजह से जनता ने उनको कम मत दिया। बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि ये एनडीए की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, बहुत जल्द ही केंद्र की सरकार गिर जाएगी और इंडिया की सरकार बनेगी। 5 साल की सरकार देश की नहीं चलने वाली, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी, यह आपको चौंकाएगा नहीं। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने मनोज झा को जवाब दिया। अंजुम आरा ने तेजस्वी यादव के बयान की पोल खोलने का दावा किया है। तेजस्वी यादव कहते फिर रहे हैं कि बिहार को मंत्रालय तो मिला, पर इससे बिहार का क्या भला हुआ। जेडीयू प्रवक्ता के बयान का देखिए यह वीडियो। पूरा विश्वास है कि हमारे जो बिहार के इशू है, विशेष राज्य का दर्जा या अन्य इशू, हम सर्वसम्मति से, हम आपसी सहमति से तय कर लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आज कह दूं आपको कि ये फिर आने वाले समय में जब इन्हें मौका बिहार की जनता ने मजबूत निर्णायक भूमिका दिया हुआ था कि आप विशेष राज्य की दर्जे की मांग करें, आप कास्ट सेंसस कराएं, ये मांग करते तो उस वक्त की मनमोहन सरकार यूपीए की गवर्नमेंट की औकात नहीं थी कि इनकी बातों को नकार देता। लेकिन ये महोदय, ये महाशय किस बात पे रिजिड रहे कि इन्हें गृह मंत्रालय क्यों नहीं मिला। अंजू महाराज ने पूछा कि जब केंद्र में राजद के मंत्री भरे पड़े थे तब बिहार का क्या हुआ था। राहुल गांधी को द्वंद है कि रायबरेली की सीट छोड़े या वायनाड की, वो दोनों संसदीय क्षेत्र से जीत कर गए हैं। केरल पहुंचकर राहुल गांधी ने अपने मन का द्वंद लोगों से शेयर किया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए लोगों से कहा, आखिर वो आदमी है, भगवान नहीं है, आम आदमी की तरफ देख कर उन्हें फैसले करने होते हैं, नरेंद्र मोदी की तरह उनके फैसले भगवान नहीं लेता। राहुल गांधी ने
नरेंद्र मोदी के चुनाव के पहले के बयान को याद दिलाया, जिसमें मोदी ने कहा था कि भगवान ने उन्हें धरती पर भेजा है। नाउ आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड और विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रायबरेली। अनफॉर्चुनेटली लाइक द प्राइम मिनिस्टर आई एम नॉट गाइडेड बाय गॉड, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मोदी जी हैज अ स्ट्रेंज परमात्मा, हिज परमात्मा मेक्स हिम टेक ऑल द डिसीजंस इन फेवर ऑफ अदानी एंड अंबानी। आज शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई मीटिंग में बिहार के सारे विश्वविद्यालयों के ऋषि आए थे। बुधवार की मीटिंग विभाग के प्रभारी एस सिद्धार्थ ने बुलाई थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों को 4 महीने का पैसा भेजा जा चुका है। जानते हैं कि के पाठक के अपर मुख्य सचिव रहते समय कुलपतियों और शिक्षा विभाग के बीच में तनातनी थी। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर समय नोटिफिकेशन दिया जाए। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ से धन्यवाद।